हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों यदि आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों नॉर्मली व्हाट्सअप तो सभी लोग यूज़ करते हैं, बट हम आपको कुछ यूनिक तरीका से यूज़ करने के लिए बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, हम इसमें बहुत सारा फीचर आपको देने वाले हैं कि आप व्हाट्सअप से क्या क्या कर सकते हैं, उसमें क्या और फीचर ऐड कर सकते हैं, सब जितना फीचर उसमें दिया है टोटल का टोटल आप उसका लाभ कैसे उठा पाएंगे, हम इस वीडियो में फिलहाल सबका राज खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर कैसा वो ओपन करना है और कैसे उसको एक्टिवेट करना है। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि देखिए, सबसे पहले मैं क्या करके आपको बता देते हैं कि आप अपने व्हाट्सअप में एरोप्लेन जो मोड होता है, जो एक तरह से कह लीजिएगा फ्लाइट मोड को कैसे ऑन करेंगे। दोस्तों कई बार होता क्या है कि आप अपना जो नेट है उसको ऑन रखना चाहते हैं, बट आप चाहते हैं कि किसी का नोटिफिकेशन ना आए व्हाट्सअप पर, तो आप इसको एरोप्लेन मोड में डाल सकते हैं। आपके पास किसी का नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएगा, ना तो उसको पता चलेगा कि डाटा वगैरह खुला हुआ है। दूसरा फीचर आपको हम बताएंगे कि यदि आप इसको ऑन करते हैं तो इसमें एक और ऑटोमेटिक फीचर आता है, वो है डिलीट मैसेज का। यदि आप इसको ऑन कर लेते हैं तो वो डिलीट मैसेज वगैरह जो है वो ऑटोमेटिक इसमें जो शो करने का फीचर होता है वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि कोई आपके पास कोई मैसेज भेज कर उसको डिलीट कर देगा तो आपके फ़ोन से वो डिलीट नहीं होगा, आप किसी के भी डिलीट वगैरह मैसेज आपको दिखाई दे देगा। चाहे कोई अपना स्टेटस डाल कर डिलीट कर देगा तो आप उसका स्टेटस भी आसानी से देख सकते हैं। तो ये आपको फ़ीचर उसमें मिलने वाला है, और भी बहुत सारे फ़ीचर मिलने वाला है। जैसे कि आप अपना जो होम प्रोफाइल का फ़ोटो होता है, जैसे कि आप चैटिंग के अंदर दूसरा फ़ोटो लगाते हैं और हम आपको यहाँ पर फ़ोटो लगाने के लिए बोल रहे हैं, आप इसमें यदि आप इसको यूज करते हैं तो आप यहाँ पर होम प्रोफाइल पर, आपको डिसेबल दिख रहा होगा, होम प्रोफाइल पर फ़ोटो आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसका पूरा हम निचोड़ बता दें कि देखिए, पूरा का पूरा जितना भी इसमें फ़ीचर दिया है टोटल का टोटल ये फीचर FM WhatsApp में आपको मिलेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि FM WhatsApp कहाँ से डाउनलोड करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिए हैं, वीडियो जाकर देखिए और वहाँ से पहले आपको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप उसमें लॉगिन कर लीजिए, जैसे कि आप नॉर्मल व्हाट्सअप में अपना नंबर डालकर उसको लॉगिन करते हैं। एक बार और दोस्तों देखिए, फिलहाल में बारिश हो रहा है इसलिए आवाज़ में कुछ मतलब कि थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो उसके लिए सॉरी। दोस्तों आप उसको सबसे पहले लॉगिन कर लीजिएगा, लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, व्हाट्सअप को ओपन करेंगे, तो आपके पास इतना फीचर देखने को मिलेगा शुरुआत में। तो दोस्तों हम इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताने वाले थे कि एरोप्लेन मोड को कैसे ऑन करेंगे। दोस्तों फ्लाइट मोड ऑन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा। देखिए आपको फ्लाइट मोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे फिर से आपको डीएक्टिवेट करना है तो फिर से दोबारा इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो इस पर दोबारा क्लिक करते हैं तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों इस तरीका से आप अपना जो फ़ोन है उसको नोटिफिकेशन से रोक सकते हैं, नहीं तो इसमें अलग से भी फीचर दिया रहता है। जैसे कि आप इसमें यदि सेटिंग कर देते हैं तो अगला जो अदर पर्सन है आपके पास कोई मैसेज वगैरह सेंड कर देगा और आप उसको देख भी लेंगे तो भी उसके फ़ोन में वो डबल टिक वगैरह नहीं होगा, सेटिंग वगैरह दिया रहता है। यदि आप इसको सेटिंग करना चाहते हैं तो इसको हम अलग से वीडियो बना दिए हैं, आप जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों आप ये जान लीजिए कि ये जो FM WhatsApp है इसमें इतना ज़्यादा फीचर दिया है, इतना ज़्यादा फीचर दिया है कि यदि हम पूरा का पूरा फीचर का वीडियो बनाए ना तो टोटल 30 मिनट से ज़्यादा का हो जाएगा। इसीलिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाए हैं, दो दो मिनट तीन तीन मिनट का वीडियो बना दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, जाकर उसको देख लीजिएगा यदि आपको ज़्यादा फीचर चाहिए तो। तो फिलहाल में जो ये स्टेटस वाला फीचर है या डिलीट मैसेज वाला फीचर है, ये तो पहले से एक्टिवेट रहता है, इसको दोबारा सेटिंग नहीं करना होता है, ये पहले से एक्टिवेट होता है। तो आप यदि चाहते हैं कि आपको ज़्यादा फीचर मिले, आप ज़्यादा यूनिक आप अपना व्हाट्सअप को बनाएं, या देखने में आप इसको सुंदर बनाना चाहते हैं, देखने में सबसे अलग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सेटिंग तो चेंज करना होगा, तो आप इसको सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में केवल इतना ही आपको बताने आए थे कि आप इसको फ्लाइट मोड कैसे ऑन करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, तो आपको फिलहाल में बता दिया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही, बारिश अभी हो रहा है इसलिए आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।